Other examples of acids are H2CO3 carbonic acid, H2SO4 sulfuric acid, H3PO4 phosphoric acid. तो ये था एसिड का डेफिनेशन. अब हम लोग आते हैं बेस. वट इज अ बेस? बेस इज अ सब्सटेंस विच रिलीजेस OH- आयंस, इट इज हाइड्रोक्सिल आयंस इन द सॉल्यूशन. हाइड्रोक्सिल आयंस इन द सॉल्यूशन. सो एग्जांपल है इसमें NaOH. इसमें हम उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये क्या रिलीज करेंगे? Na+ प्लस OH- प्लस H2. तो ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में OH- आयंस रिलीज करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. ठीक है. अब एसिड और बेस का इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस? इंडिकेटर्स टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस. पहला इंडिकेटर होता है लिटमस पेपर. फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस पेपर. ये लिटमस पेपर कहाँ से आया था? लिटमस पेपर वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज़ अ लिटमस, इट इज़ अ पर्पल डाई. इसको हम पर्पल डाई बोलते हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन. कहाँ से? इट इज़ अ पर्पल डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन प्लांट. ठीक है. लाइकन अ प्लांट, ये ऐसा प्लांट है जो थैलोफाइटा का ग्रुप में आता है. ठीक है. अब ये जब पर्पल स्ट्रिप, पर्पल स्ट्रिप पेपर को जब हम विद दिस पर्पल स्ट्रिप को डिप ट्रिप करते हैं, डिप्ड इन वाटर, तो ये किसमें चेंज हो जाता है? विद दिस पर्पल स्ट्रिप इज डिप्ड इन वाटर, इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ न्यूट्रल. तो वो न्यूट्रल रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा. लेकिन जब इसी पर्पल स्ट्रिप को हम डिप करेंगे इन एसिड, डिप्ड इन एसिड, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा. इसको हम लोग फिर अगर इसी को हम डिप करेंगे अगर हम बेस में, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा. फिर अगर इसको हम डिप करेंगे एसिड में तो फिर किसमें चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा. तो इसको एक ट्रिक है याद रखना, BAR बार एंड RBB. ठीक है. ये बी स्टैंड्स फॉर ब्लू लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर एसिड के प्रेजेंस में कौन सा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा. और ये रेड लिटमस पेपर बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? ये ब्लू कलर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन. नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है? फिनोफ्थलीन इंडिकेटर. ये इंडिकेटर, ये भी क्या है? एक ऑर्गेनिक डाई. ऑर्गेनिक डाई मतलब क्या? जो कि नेचुरली हमको मिलता है. ठीक है. इट इज़ एन ऑर्गेनिक डाई. ये इसका कोई नो कलर चेंज, इसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में. कोई कलर चेंज नहीं होता है. पर जब हम इसको बेस में डालेंगे, बेस में यूज़ करेंगे, तो इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा? पिंक कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा, ये ऑरेंज कलर्ड डाई है. ऑरेंज कलर्ड डाई, ये इसका एसिडिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है रेड, और बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है येलो. तो ये था इंडिकेटर्स टू टेस्ट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस. नेक्स्ट वी विल कम टू सम अदर इंडिकेटर्स, अदर नेचुरल इंडिकेटर्स. जूस जो होता है, हल्दी का जिसको जूस बोलते हैं, हल्दी वाला पानी,
येलो डाई होता है, ठीक है, येलो डाई होता है इन एंड इन द एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर येलो ही रहता है, पर इसका बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसका कलर बेसिक मीडियम में इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सब कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिड है कि बेसिस है। कुछ ऐसे भी होते हैं इंडिकेटर्स को ना बोलते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या है, टू अ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का सेंस के जैसे जो होता है उसको ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ सब्सटेंस है विच हैज डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में उसका स्मेल जो होता है उस सब्सटेंस का चेंज हो जाता है। इस तरीके से हमें पता लगाते हैं कौन से, जैसे कि हम लोग इसके एग्जाम्पल है और फैक्ट्री इंडिकेटर का अनियन, इंडिकेटर्स आर ऑफ अनियन, वैनिला एंड क्लोव ऑयल, ठीक है। तो क्लोव और वैनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, तो उसमें हम इसमें अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसका स्मेल क्या हो जाएगा, इसका स्मेल सप्रेस्ड हो जाएगा, इसका स्मेल सप्रेस्ड हो जाएगा, इसका स्मेल हमको उतना नहीं आएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाए इसी में हम अगर हम HCl डालेंगे तो इसका स्मेल सप्रेस्ड नहीं होगा, जैसा ही इसका स्मेल नॉट सप्रेस्ड, जैसा ही इसका स्मेल है वैसे ही इसका स्मेल रहेगा। तो इस तरीके से स्मेल के वजह से हमने पता लगा सकते कि वो सब्सटेंस एसिड है कि वो बेस है।